यूपी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के पूर्व ही खनन माफियाओं की सक्रियता दिखने लगी है। रांची और खूंटी तथा इनसे सटे नदी घाटों से बालू माफिया इन दिनों धड़ल्ले से बालू की जमाखोरी में लगे हैं। हराडी बूढ़ाडी पुल के ढहने के बाद बुंडू अनुमंडलीय पुलिस ने अवैध बालू उत्खनन और बालू उठाव तथा डंपिंग मामले में कार्रवाई आरंभ कर दी है। कांची नदी के तटवर्ती इलाकों में 10-15 किलोमीटर के दायरे में लगातार बालू उत्खनन और अवैध गोरख धंधा चल रहा है। दशम फॉल जलधारा से चुरगी से होते हुए बुंडू से होते हुए तमाड़ इलाके तक नदी किनारे बालू का अवैध उत्खनन चोरी छिपे हो रही है। बता दें कि बालू उत्खनन के चलते कांची नदी में बना पुल ध्वस्त हो गया था। बालू तस्करी करने वालों पर पुलिस और खनन विभाग ने नकेल कसना आरंभ कर दिया है। बुंडू सीओ, सोनाहातू सीओ और तमाड़ सीओ के साथ संयुक्त रूप से बुंडू थाना इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस बलों की टीम ने टूटी लौंग बिचारहातू के पास आयुष्मान हेल्थ सेंटर के पास बालू के डंपिंग क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया। इस क्रम में डंपिंग क्षेत्र की जमीन के मालिक की खोजबीन की गई, लेकिन जमीन मालिक का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने कांची नदी से अवैध बालू की ढुलाई कर डंप कर रहे 4 ट्रैक्टर को गोसाई डी के पास जब्त किया, जबकि चारों ट्रैक्टर के चालक भाग निकले। बता दें कि इन दिनों लगातार बारिश होने से कांची नदी में बालू की सघन परतें बिछ गई है। इससे बालू तस्करी करने वालों की चांदी हो गई है और लगातार ट्रैक्टर से कांची नदी किनारे से बालू का उठाव कर बड़े दायरे में बालू को डंप किया जा रहा है। बालू माफिया लगातार बारिश होने से इन दिनों सक्रिय हो गए हैं और सरकारी स्तर पर बालू उठाव पर प्रतिबंध लगने से पूर्व ही बालू माफिया अपने डंपिंग क्षेत्र में बालू की जमाखोरी करने में जुटे हैं। डीएसपी ने बताया कि लगातार सोनाहातू, तमाड़ और बुंडू अंचल अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध बालू उत्खनन, बालू उठाव और बालू डंपिंग मामले में कार्रवाई की जाएगी। काफी लंबी है, जो कि हमारे दशम फॉल थाना के चुरगी बुंडू से होते हुए रिवर तमाड़ थाना को क्रॉस करते हुए आगे जाती है और यहाँ पे लोगों के द्वारा बीच बीच में अवैध बालू का उत्खनन किया जाता है और उसकी डंपिंग की जाती है। और इस क्षेत्र में अभी काफ़ी दिनों से हम लोगों ने एसडीओ बुंडू के निर्देश पे सीओ सोनाहातू, सीओ बुंडू, सीओ तमाड़ के साथ मिलकर हम लोग रेगुलर ड्राइव चला रहे हैं और कि यहाँ पे किसी प्रकार का अवैध बालू का परिवहन या उत्खनन या डंपिंग ना हो सके। इसी क्रम में सीओ बुंडू के साथ में और इंस्पेक्टर बुंडू के साथ में हम लोग 2 दिन से विजिट कर रहे हैं क्षेत्र में कि कहाँ कहाँ अवैध बालू का डंपिंग किया गया है और अवैध बालू का वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने देखा कि सूटी लौंग और बिचारहातू के पास में आयुष्मान भारत केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में बालू, अवैध बालू का डंपिंग किया गया है। ग्रामीणों से हम लोगों ने पूछताछ किया कि किसकी ज़मीन है, तो पता चला कि वो ज़मीन किसी के द्वारा बताया नहीं गया कि वो ज़मीन किसकी है। फिर हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन करके हम लोगों ने ये पता किया कि किसके द्वारा ये अवैध बालू का डंपिंग किया गया, तो उसमें 3-4 लोगों का नाम आया है जिसमें और उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। और इसके अलावा फिर कल सुबह सुबह जब हम लोग विजिट कर रहे थे तो हम लोग गोसाईडी के पास में कई ट्रैक्टर वहाँ पे देखा कि ये वो लोग बालू को लेकर आ रहे हैं, तो हम लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वो बहुत तेज़ी से भागने लगे। हम लोगों ने काफ़ी मशक्कत करके उस 4 ट्रैक्टर को पकड़ा। 3 ट्रैक्टर पे नंबर है, 1 ट्रैक्टर बिना नंबर का है और हमारे सीनियर एसपी सर, डीसी सर का सख्त आदेश है कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध बालू का उत्खनन और परिवहन नहीं होना चाहिए, न डंपिंग होनी चाहिए। अभी NGT भी लगने वाला है, NGT भी इसे लेके अभी से लेके और 15 अक्टूबर तक NGT का समय होता है जिसमें रिवर बेड से किसी प्रकार के बालू का उत्खनन भी अवैध माना जाता है। और हम लोग रेगुलर इस क्षेत्र में जो अवैध बालू के उत्खनन और इसका जो परिचालन किया जा रहा है उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने की पूरी हमारी टीम के बुंडू अनुमंडल। You've never known
Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.